हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल की नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले आईपीएल 2020 की सबसे मजबूत टीम में शामिल दिल्ली कैपिटल्स टीम के बारे में, जो कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली कैपिटल्स टीम की उन तीन बैट्समैनों के बारे में जो कि आईपीएल 2020 में दिल्ली कैपिटल्स टीम के लिए सबसे ज्यादा रन बना सकते हैं। यानी हम आपको बताएंगे उन तीन बैट्समैनों के बारे में जो कि दिल्ली कैपिटल्स टीम के लिए साल 2020 के आईपीएल में ऑरेंज कैप जीत सकते हैं। तो जानने के लिए इस वीडियो को हमेशा की तरह अंत तक जरूर देखिए। अगर आप भी दिल्ली कैपिटल्स टीम के फैन हैं और आप भी चाहते हैं कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम आईपीएल 2020 का खिताब जीत जाए, तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको दिल्ली कैपिटल जुड़ी हर अपडेट मिले सबसे पहले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हो कि अभी कन्फर्म हो चुका है कि हमें आईपीएल 2020 की शुरुआत 19 सितंबर से दुबई में दिखने वाली है, जबकि इस लीग का अंतिम मुकाबला 10 नवंबर 2020 को खेला जाएगा। जैसे कि आप लोग जानते हो कि दिल्ली कैपिटल्स टीम के फैन चाहते हैं कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम आईपीएल 2020 में शानदार खेल दिखाए ताकि वो आईपीएल 2020 की ट्रॉफी जीत सके। इसी को देखते हुए दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने अभी से आईपीएल 2020 की तैयारी कर ली है ताकि वो आईपीएल 2020 में शानदार खेल दिखा सके। तो चलिए बात कर लेते हैं दिल्ली कैपिटल्स टीम के उन तीन बैट्समैनों के बारे में जो कि दिल्ली कैपिटल्स टीम के लिए आईपीएल 2020 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले हैं। दोस्तों हमारी लिस्ट में सबसे पहले बैट्समैन का नाम निकल के आता हुआ शानदार विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत का। तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि ऋषभ पंत हमेशा से दिल्ली कैपिटल्स टीम के लिए बहुत ही शानदार खेल दिखाते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हो कि साल 2019 के आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स टीम की तरफ से ऋषभ पंत ने 16 मुकाबले खेले थे जिसमें शानदार की औसत से उन्हें 488 रन बनाए थे। दोस्तों आपको बता दें कि ऋषभ पंत हमेशा से दिल्ली कैपिटल्स टीम की तरफ से बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करते हैं, जिसके बाद से अभी कन्फर्म हो चुका है कि वो हमें साल 2020 के आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स टीम की तरफ से बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करने वाले हैं ताकि वो दिल्ली कैपिटल्स टीम की तरफ से आईपीएल 2020 की ट्रॉफी जीत सके। दोस्तों हमारे लिस्ट में दूसरे नंबर पर बैट्समैन का नाम निकल के आता हुआ दिल्ली कैपिटल्स टीम के शानदार ओपनिंग बल्लेबाज शिखर धवन का। तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि शिखर धवन हमेशा से आईपीएल में बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि शिखर धवन ने दिल्ली कैपिटल्स टीम के लिए साल 2019 के आईपीएल में 16 मुकाबले खेले थे जिसमें शानदार की औसत से 521 रन बनाए थे। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली कैपिटल्स टीम के लिए साल 2019 के आईपीएल में शिखर धवन ने सबसे ज़्यादा रन बनाए थे, जिसके बाद से अभी कंफर्म हो चुका है कि शिखर धवन हमें आईपीएल 2020 में भी दिल्ली कैपिटल्स टीम की तरफ से बहुत ही शानदार बल्लेबाजी दिखाने वाले हैं ताकि वो दिल्ली कैपिटल्स टीम को आईपीएल 2020 की ट्रॉफी जिता सकें। दोस्तों इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर खिलाड़ी का नाम निकल के आते हुए दिल्ली कैपिटल्स टीम के कप्तान और शानदार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर का। तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि श्रेयस अय्यर की कप्तानी में दिल्ली कैपिटल्स की टीम बहुत ही शानदार खेल दिखाती है। जैसे कि आप लोग जानते हो कि श्रेयस अय्यर की कप्तानी में ही दिल्ली कैपिटल्स की टीम आईपीएल 2019 के प्लेऑफ से पहुंची थी। इसी को देखते हुए दिल्ली कैपिटल्स टीम के फैन चाहते हैं कि श्रेयस अय्यर आईपीएल 2020 में बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करें ताकि वो आईपीएल 2020 की ट्रॉफी जिता सके। दोस्तों आपको बता दें कि श्रेयस अय्यर ने साल 2019 के आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स टीम के लिए 16 मुकाबले खेले थे जिसमें शानदार की औसत 483 रन बनाए थे, जिसके बाद ये भी कन्फर्म हो चुका है कि हमें श्रेयस अय्यर आईपीएल 2020 में बहुत ही शानदार बल्लेबाजी दिखाने वाले हैं ताकि वो दिल्ली कैपिटल्स टीम को आईपीएल 2020 की ट्रॉफी जिता सकें। दोस्तों मेरे मुताबिक ये तीन दिल्ली कैपिटल्स टीम के बल्लेबाज हैं जो कि दिल्ली कैपिटल्स टीम के लिए आईपीएल 2020 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं आपके मुताबिक आईपीएल 2020 की ट्रॉफी कौन सी टीम जीत सकती है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में।